हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं केवीपीवाई एग्जाम की। ये देश का एक मोस्ट रेपुटेटेड एग्जाम है जिसकी फुल फॉर्म है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। ये एग्जाम आपको मौका देता है देश के महान साइंटिस्टों की रैंकिंग में शामिल होने के लिए। ये एग्जाम आपको मौका देता है देश के नेशनल इंपोर्टेंस वाले इंस्टीट्यूट में डायरेक्ट एडमिशन, जिनमें सबसे टॉप में आता है IISc बेंगलोर, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के अंदर एडमिशन लेने में। और ये एक एग्जाम ऐसा है जो आपको मौका देता है बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप लेने। तो आज मैं इस वीडियो में KVPY की पूरी जानकारी दूंगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको अगली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज KVPY। जिन बच्चों का रिसर्च में इंटरेस्ट है और रिसर्च में ही करियर बनाना चाहते हैं, तो उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ फंड प्रोवाइड करती है, यानी कि स्कॉलरशिप देती है, ताकि वो अपनी पढ़ाई को ऐसे ही लगन और मेहनत से जारी रख पाए। तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी होती है और मॉनिटरिंग सपोर्ट भी होती है। ये बेसिकली उन स्टूडेंट के लिए है जो प्योर साइंस में, मतलब जैसे BSc, BS, BStat, BMath या MS या MSc करना चाहते हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप एग्जाम है। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि जो बच्चे JEE या NEET की तैयारी करते हैं वो इसको नहीं दे सकते, बल्कि आजकल देखा गया है कि जो बच्चे इन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं वही KVPY को क्लियर करते हैं। ये एग्जाम आपको गारंटी देता है कि यदि आप इसको क्लियर करते हैं तो आपको कोई भी ताकत JEE या NEET के एग्जाम को क्लियर करने से नहीं रोक पाएगी। तो आइए जानते हैं इसके बेनिफिट क्या क्या हैं। तो सबसे पहला, यदि आप इस एग्जाम को क्लियर करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको एज ए नेशनल एसेट के रूप में ट्रीट करती है, क्योंकि हो सकता है आप नेक्स्ट डॉक्टर अब्दुल कलाम बन जाए। और साथ ही साथ आपके बायोडाटा में एक एडिशनल वैल्यू है कि आप KVPY स्कॉलर हैं। इनके अलावा आप IISc या आईजर जैसे इंस्टीट्यूट में डायरेक्ट एडमिशन के लिए इलिजिबल हो जाते हैं। इनके अलावा आपके पास नेशनल लाइब्रेरीज को एक्सेस करने का मौका होता है, और साथ के साथ आप समर साइंस कैंप को अटेंड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक अच्छी स्कॉलरशिप, करीब 4.5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप आपको मिलती है यदि आप इस एग्जाम को क्लियर करते हैं। तो आइए जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेंगे। तो KVPY एग्जाम 3 स्ट्रीम के अंदर कंडक्ट होता है, स्ट्रीम SA, स्ट्रीम SX और स्ट्रीम SB। स्ट्रीम SA 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए होती है, SX 12th के लिए, और SB ग्रेजुएशन है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए होती है। स्ट्रीम SA में एग्जाम देने के लिए आपको कम से कम 10th में 75% आपके मार्क्स होने चाहिए, और साथ के साथ आप PCM या PCB के स्टूडेंट होने चाहिए 11th क्लास में। और यदि आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप फर्स्ट ईयर से स्टार्ट होगी, तो +2 के अंदर आपके कम से कम 60% मार्क्स भी आने चाहिए। SX और SB के लिए भी सेम क्राइटेरिया होता है। और यदि आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 65% मार्क्स आपके 10th में और 50% 12th में आपके जरूर होने चाहिए, तभी आप स्कॉलरशिप के हकदार होते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, KVPY का एग्जाम 2 स्टेज में कंडक्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटरव्यू। जो बच्चे एप्टीट्यूड टेस्ट को क्लियर करते हैं वही इंटरव्यू राउंड के लिए जाते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें हम, तो पेपर के अंदर 2 पार्ट होते हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट के अंदर 4 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो, और ऐसे ही पार्ट 2 के अंदर भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो 4 सब्जेक्ट होते हैं दोनों पार्ट के अंदर। आपको यदि आप SA का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको सभी क्वेश्चन यानी सभी पार्ट को कंप्लीटली अटेम्प्ट करना होता है, और यदि आप SX या SB स्ट्रीम में एग्जाम दे रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट में से कोई भी 3 आप सब्जेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ सेकंड पार्ट से आपको 2 सब्जेक्ट अटेम्प्ट करने होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आप +2 में होते हैं और आप कोई स्ट्रीम जैसे या तो आप PCB होंगे, PCM में होंगे या आप PCB में होंगे, तो इसलिए आपको एक मौका दिया जाता है
पीसीएम वाले बच्चों को बायोलॉजी छोड़ सकते हैं और जो बच्चे पीसी भी लिए हुए हैं वो मैथ को छोड़ सकते हैं। तो ये आपके पास एक मौका होता है। केवीपीवाई एग्जाम ऑनलाइन होता है और सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू टाइप होते हैं। जो बच्चे एप्टीट्यूड टेस्ट को क्लियर करते हैं वही सेकंड राउंड यानी कि इंटरव्यू राउंड के लिए जाते हैं। मार्किंग स्कीम की बात करें तो मार्किंग स्कीम एसएस स्ट्रीम के लिए फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने बताया कि चार सब्जेक्ट होते हैं, चारों सब्जेक्ट में 15-15 क्वेश्चन यानी टोटल 60 क्वेश्चन, और पार्ट टू जिसमें कि हर सब्जेक्ट में 5-5 क्वेश्चन यानी कि टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं। पार्ट वन के अंदर हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का यानी कि टोटल 60 मार्क्स और पार्ट टू के अंदर हर क्वेश्चन 2 मार्क्स यानी कि 20 क्वेश्चन 40 नंबर्स के, टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होता है 3 घंटे का। और एसएक्स और एसबी की बात करें तो हर फर्स्ट पार्ट के अंदर हर सब्जेक्ट में 20-20 क्वेश्चन यानी कि टोटल 80 क्वेश्चन, लेकिन आपको सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट अटेम्प्ट करने, मतलब कि 60 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। तो आपको हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का, मतलब टोटल 60 मार्क्स फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में हर सब्जेक्ट में 10-10 क्वेश्चन मतलब टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन सिर्फ आपको 2 ही सब्जेक्ट अटेम्प्ट करने, मतलब कि 20 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। तो उनके हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स यानी कि टोटल 40 मार्क्स वहां से हो जाते हैं, टोटल पेपर में 100 मार्क्स होते हैं। तो आपको उसी के आधार पर मेरिट बनती है, आप जितना भी स्कोर करते हैं। साथ के साथ नेगेटिव मार्किंग भी होती है यदि आप कोई गलत आंसर चूज करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हर क्वेश्चन रॉन्ग आंसर के ऊपर आपका 0.25 मार्क्स कटता है, और सेकंड पार्ट के अंदर यदि आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है यानी कि आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो 0.5 मार्क्स आपका कटता है। तो ये है नेगेटिव मार्किंग की स्कीम इसके अंदर। तो आइए बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म कब निकलते हैं और एग्जाम कब कंडक्ट होता है। तो लगभग मिड जुलाई से लेकर सितंबर फर्स्ट वीक तक एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं, आप फिल कर सकते हैं, और एग्जाम एप्टीट्यूड टेस्ट नवंबर के फर्स्ट वीक में यानी कि फर्स्ट संडे को कंडक्ट किया जाता है, और उसका रिजल्ट आने के बाद जनवरी में इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है जो बच्चे एप्टीट्यूड टेस्ट को क्लियर करते हैं उनका, और बाद में एक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होती है जो बच्चे स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप स्कीम की। बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप दी जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। आप यदि ग्रेजुएशन में तब जाएंगे बीएससी में तो आपको फर्स्ट ईयर से 5,000 पर मंथ के हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिलती है, टोटल 60,000 तो ये हो जाते हैं साल में, और साथ में आपको अलग से 20,000 रुपए पर्सनल डेवलपमेंट के नाम के दिए जाते हैं, तो टोटल 80,000 पर ईयर आपको मिलते हैं जब आपकी बीएससी कंप्लीट, मतलब 3 साल में आपको 2,40,000 की स्कॉलरशिप तो ये हो जाती है, और साथ ही साथ जब आप एमएससी में एडमिशन लेते हैं तो ये बढ़कर 7,000 रुपए पर मंथ स्कॉलरशिप हो जाती है, और साथ ही साथ 28,000 रुपए आपको अलग से साल के मिलते हैं पर्सनल डेवलपमेंट के नाम के। तो टोटल यदि देखा जाए तो 4,64,000 के आसपास की आपको स्कॉलरशिप मिलती है यदि आप इस एग्जाम को क्लियर करते हैं। अब बात करते हैं कट ऑफ की। 2019 के अंदर से की यदि हम देखें ऐसे स्ट्रीम की, तो जर्नल की कट ऑफ रही थी 50% और एससी एसटी की 40%, और 2020 की बात करें तो सिर्फ अब की बार एप्टीट्यूड टेस्ट के आधार पे स्कॉलरशिप दी गई है, कोविड की वजह से इंटरव्यू राउंड नहीं हुआ। तो 2020 में ऐसे यदि स्ट्रीम की बात करें तो जर्नल की 52% और एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी की 40% कट ऑफ रही है। इसी प्रकार आप एसएस और एसबी की कट ऑफ देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने केवीपीआई की पूरी जानकारी देने की कोशिश की है, और साथ ही साथ मैं केवीपीवाई की वेबसाइट का लिंक दे रहा हूं, आप उस पर विजिट करके आप पूरी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं, और साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज भी डाल सकते हैं यदि आपको जो भी डाउट है, आप मैं कोशिश करूंगा उसको क्लियर करने की। तो बहुत ही अच्छा और मोस्ट रिप्यूटेटेड एग्जाम है इंडिया का, आप ट्राई करें, आप अच्छी तैयारी करें और इसको क्लियर करने की कोशिश करें। तो यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। धन्यवाद।